और इस धाम पर जो आते हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, संतान रत्न की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। बरका धाम में बाबा नंद ने तप किया और ये तप स्थली से लाइव आप देख रहे हैं। बहुत बहन भाई कह रहे थे हमारे जितने भी दर्शक हैं कि महाराज बरका धाम क्या है, बरका धाम क्या है, ये है बरका धाम जो जीवन को बदल देता है, बरका धाम आपको आनंद की ओर ले जाता है, बरका धाम जो आपके हर कष्ट हर दुख हर परेशानी में साक्षात त्रिलोकी के नाथ से मिलाता है, बरका धाम। ये बरका धाम का रहस्य आप देख रहे हैं। बाबा नंद और माँ यशोदा दोनों के आप दर्शन कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर तप किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर तप किया, इतनी तपस्या की कि साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान, देखिए ऐसा ऐसा अद्भुत नजारा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है और पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तप स्थली है। यह बहुत संतों ने तप किया है, ऋषि मुनियों ने तप किया है, और तो क्या साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण के माता पिता बाबा नंद और माँ यशोदा। माँ यशोदा देखो हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी है, विष्णु भगवान जब प्रकट हुए हैं, नारायण भगवान जब प्रकट हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, और इधर देखिए बाबा नंद हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से पुत्र प्राप्ति के वरदान प्राप्त करते हुए, पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करते हुए। नंदवन नंदवन ब्रजमंडल का अद्भुत वन, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली, और यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर ने अनंत लीलाएं की थी, ऐसा बरका धाम का रहस्य आप जान रहे हैं दर्शकों। बरका धाम जो जीवन में आनंद की प्राप्ति कराता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति कराता है। और मनीषा जी राधे राधे जय श्री कृष्णा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सबसे कराइए, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है और सनातन धर्म के ये खम्भे हैं। बरका धाम नंदवन ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण पहले आप देख रहे हैं तब किया है बाबा नंद ने माँ यशोदा ने, और कहा कि हमको पुत्र चाहिए और आप जैसा चाहिए, दान सरोवरी कृपा निधि नाथ कहूं सत भाई, चाहूं तुम ही समान सुत, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराए। बाबा नंद माँ यशोदा ने वरदान मांगा, प्रभु हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, आप जैसा पुत्र चाहते हैं। नारायण भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बन कर आऊंगा। तो यही नारायण भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए। बरका धाम में यहाँ पर तप किया, ये वृंदावन वासी को भी इस रहस्य के बारे में बहुत कम पता है, ब्रजवासी कोई कोई बिरला जानता है। ये अद्भुत जंगल में दिव्य अलौकिक धाम है दरअसल बरका धाम, यहाँ पर तप किया था और भगवान श्री कृष्ण ने अनंत लीलाएं की। कण कण में जिनका वास है वृंदावन के वृक्ष को मरम ले जाने को, डाले डाले और पात पे श्री राधे राधे हो। नीलम गिरा जी जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। और आज मैं तो चाहता हूं हर हिंदुस्तानी हर हिंदू हर माँ इस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे, इस रहस्य को जरूर देखेंगे। हर पिता देखिए किस प्रकार हाथ जोड़कर बाबा नंद खड़े हैं, कितना भावुक करने वाला ये दृश्य है, ये दर्शन है। माँ यशोदा जब संतान नहीं थे तो भगवान की तप भगवान नारायण का तप किया था। नारायणं परम धामो देव देव महेश्वरे चक्रपाणि कलापूर्णे देवेदुध्यानिधि भगवान सर्वभूतेषु गोपाल सर्वपालक है अनंतो निर्वृत्यो निर्कल्पो निरंजन निराकारो निरावासो निराशो निराशय पुष्पांतितो मुकुंद परमेश्वरे। जैसे तप किया साक्षात त्रिलोकी नाथ भगवान नारायण प्रकट हो गए, विष्णु भगवान बोले विष्णु भगवान की जय, और वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करते रहिए दर्शकों, क्योंकि शेयर करते शेयर करेंगे तो हर हिंदू तक हर सनातन धर्म प्रेमियों तक हर भारतवासियों तक हर विश्व में जो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी रह रहे हैं उनका रहस्य पहुंचेगा। और मैं तो चाहता हूँ इस गुण वाले जरूर इस रहस्य को जाने देखें, जो असली परमात्मा की प्राप्ति होती है वरका धाम से होती है। भगवान कृष्ण को धरा पर लाने वाला अगर कोई तप स्थली है तो बरका धाम है। यहाँ पर बाबा नंद ने तप किया था, यहाँ पर माँ यशोदा ने तप किया है। ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसा धाम है ऐसा मंदिर है कि ऐसा सीन ऐसा दृश्य ऐसे दर्शन आपको कहीं नहीं मिल सकते हैं। या तो द्वापर में ही जब साक्षात भगवान की तप किया तब के दर्शन, या आज इधर रहस्य को आप जान सकते हैं दर्शनों। ये अद्भुत बरका धाम जिसके बारे में आज पूरा देश पूरी दुनिया जानना चाह रही कि बरका धाम क्या है, बरका धाम क्या है,
आज बरका धाम का रहस्य मैं खोल रहा हूँ अपने मुखारविंद से ही, और मैं चाहता हूँ बरका धाम ये है कि यहाँ पर जो भी बरका धाम आते हैं उनके हर का शर्तों का परेशानी मेरे विष्णु भगवान दूर कर दे। ऐसा नहीं दर्शको, मैं तो चाहता हूँ कि आप देखिए जानिए बरका धाम का रहस्य, ये है बरका धाम का रहस्य। आज खोले जाएंगी पर्त की पर्त, हमारे सनातन धर्म में कितनी बड़ी शक्ति है, हिंदू धर्म में कितनी बड़ी शक्ति है, हमारे देवताओं में कितनी बड़ी शक्ति है, और बाबा नंद और माँ यशोदा के तप में कितनी बड़ी शक्ति है कि साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण प्रकट हो गए। आप देखिए हाथ में शंख है, इधर सुदर्शन चक्र है, भगवान वरदान दे रहे हैं माँ यशोदा को, बाबा नंद को, हाथ जोड़कर खड़े हैं। देखिए हाथ जोड़कर बाबा नंद खड़े हैं, हाथ जोड़कर माँ यशोदा जी खड़ी हैं। ये बरका धाम है, यहाँ पर तप किया था, ऐसी तप स्थिति से आप भगवान के दीदार ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की अपार कृपा बरसती है, अपार कृपा बरस रही है। ये अद्भुत रहस्य बरका धाम का, बरका धाम का रहस्य है कि दर्शकों वट वृक्ष के नीचे बाबा नंद ने माँ यशोदा ने तप किया, जिसके तप के प्रभाव से साक्षात त्रिलोकी के नाथ मेरे नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। ऊपर आप देखेंगे शेष नाग है और बड़ी तप स्थली। मैं तो चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू तक, हर भारतीय तक, हर सनातनी तक इस रहस्य को पहुंचाएं और बताएं कि भगवान किस प्रकार धरा पर आते हैं। बरका धाम में तप किया है बाबा नंद ने माँ यशोदा ने, और ये जो सीमा है हमारे ब्रज में कोसी कला के पास, होडल के पास, और हरियाणा में प्रारंभ हो जाता है। हरियाणा का पलवल जिला, पलवल डिस्ट्रिक्ट में होडल है तहसील, और होडल से 9 किलोमीटर हमारे मथुरा जिले में कोसी कला शहर है। कोसी कला से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ये अद्भुत नंदवन, इसको नंदनवन भी कहते हैं। अगर आप शास्त्रों में जाएंगे नंदनवन कहते हैं, गूगल पर जाएंगे तो नंदनवन के नाम से नंदनवन चमेली वन। तो ये अद्भुत बरका धाम यहाँ पर तप किया था, और अद्भुत रहस्य को आप और देखेंगे, मैं पूरे आपको यहाँ से नजारा दिखाऊंगा। ये अद्भुत ज्ञान की गंगा धारा आज उस रहस्य को बहुत हमारे लाखों में भाई जानना चाह रहे थे कि बरका धाम क्या है, बरका धाम क्या है। आज बरका धाम की दर्शन यहाँ देव आलो के प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। आप देख रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इनकी साधना की, तप की, और मैं भी बचपन में बहुत जल्दी शाम को सुबह यहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है। दर्शकों 40 साल से हम छोटे छोटे थे या 5-5, 4-4 साल के, तभी से इस रहस्य को देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो अद्भुत ये ज्योत तभी से जल रही है, ये तीर्थ स्थली, ये ऐसा तीर्थ यहाँ आकर जीवन बदलता है, लोगों की किस्मत बदलती है। ये बरका धाम यहाँ तप किया है मेरे बाबा नंद ने, महेश्वर ने तपस्त्री। ये अद्भुत नजारा आपको मैं और दिखाऊंगा, और देवता भी यहाँ विराजमान है। अद्भुत धाम तीर्थ बरका धाम, नंदनवन, चमेली वन, और शेष साई भगवान यहाँ पास में ही, लक्ष्मी नारायण भगवान, ये अद्भुत नजारा है हमारे विराज महाराज का विराजमान है। ये हमारे विराज महाराज है, गिरिराज सला है। देखिए हमारे ब्रजवासियों का जो मुकट मणि गिरी गोवर्धन महाराज, और आपने दर्शन किए दर्शक बरका धाम की तपस्थली, ये नंदनवन की तपस्थली, मौनी बाबा की तपस्थली, और हताना गांव है, खरौट गांव है आसपास में, ये बरका धाम है। एक साई ऐसी कोसी कला होटल के पास और नेशनल हाईवे 19 के पास में ये अद्भुत फील्ड है। इस रहस्य को केवल देवता लोग ही जानते हैं, भूमंडल पर इस संसार में कुछ ही लोग जानते हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, जो परमात्मा की कृपा चाहते हैं, और जो आनंद तप करना चाहते हैं वो इस रहस्य को जानते हैं।
और ये अद्भुत रहस्य, अद्भुत नजारा यहाँ पर आज भगवान की बड़ी कृपा हुई, शक्तियों की बड़ी कृपा हुई, शक्तियों से शक्तियों का मिलन ये अद्भुत चल रहा है। मैं चाहता हूँ आप रविवार को विशाल महायज्ञ होने जा रहा है आश्रम बल्लमगढ़ बरकाधाम आश्रम, तो आप जरूर आइए और रहस्य बताऊंगा। और अभी थोड़ी देर बाद फिर श्री साई भगवान पूर्णनाथ भगवान यहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ का रहस्य भी आप देखेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। महाराज जी जय हो, जय हो जी। अच्छा इधर है, जय हो, जय हो। हमारे संत भगवान है और इनके दर्शनों से कल्याण होते हैं। चरण स्पर्श करके आनंद ले, आशीर्वाद लीजिए, ले लो आशीर्वाद सभी। जय हो, जय हो। यहाँ पर निरंतर हमारे मोनी बाबा की, हमारे नंद बाबा की, बस बस महाराज जी ज्यादा ले भैया थोड़ा। महाराज जी प्रसाद दे रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का प्रसाद ही, प्रसाद का प्रभाव आप तक भी पहुंचे और आपके जीवन में भी कल्याण ही कल्याण हो। महाराज जी तुम भी बताओ थोड़ा सा नंद बाबा के, मोनी बाबा के या स्थल के बारे में, तीर्थ के बारे में। यहाँ नंद बाबा जसोदा जी के कोई संतान नहीं थी। हाँ। तो जो है नंद बाबा जसोदा जी ने यहाँ तप किया तो भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। यही भगवान का यहाँ श्री विग्रह विराजमान है। और मोनी बाबा ने तपस्या की, उनका भी यहाँ जो है महिमा चल रही है, उनके आशीर्वाद से ही यहाँ कोई रुक पाता है। संत आश्रम है और यहाँ दूर दूर से लोग, भक्त लोग, श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। यहाँ दो भंडारे होते हैं साल में, और सावन के महीना में एक, फागुन के महीना में, दोनों तीनों गांवन की यहाँ जो है विशेष लगाव रहता है। बस पंडित जी आप ही बोलो। दर्शकों यहाँ पर ये संत भगवान है, मेहनत है यहाँ के बाबा, और बड़े कृपालु, बड़े दयालु, बड़ा सरल स्वभाव, और बहुत बड़ा यहाँ गौशाला भी है। संतों की सेवा होती है यहाँ पर, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, निर्माण कार्य चलता रहता है। और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है यहाँ पर, जिनके ऊपर अपार कृपा होती है ईश्वर की, परमात्मा की, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वो यहाँ के दर्शन कर पाते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और मैं चाहता हूँ कि हर हिंदू तक, हर सनातनी तक हमारे जो पौराणिक जो तीर्थ हैं उनकी चर्चा, उनको आप तक पहुंचाना और एक दूसरे तक पहुंचाना हर हिंदू का कार्य बनता है, हर सनातनी का कार्य बनता है। और आज हिंदू जाग रहा है, आज भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है। और मैं तो चाहता हूं दर्शकों ये अद्भुत नंदन वन बरकाधाम और हताना हरौट हमारे शेष साई, ये अद्भुत ऐसे गांव में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएँ की, माँ यशोदा बाबा नंद ने यहाँ तप किया, तपस्थली, और बाबा की बड़ी अपार हमारे ऊपर कृपा होती है, इनका बड़ा आशीर्वाद मिलता है, और इन्हीं की कृपा से जैसा इनका आदेश होता है वो करते रहते हैं, और इनका आशीर्वाद आप तक, इनका आशीर्वाद पहुँचे। महाराज जी समस्त हमारी संगत को, कई लाख लोग जुड़े हुए हैं, सबको आप आशीर्वाद प्रदान करें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बोल संत भगवान की जय, बोल मोनी बाबा की जय, बोल नंद बाबा की जय, बोल यशोदा मैया की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, जय जय श्री राधे। बैठ लो ना सलिंग महाराज, ले भाई।